अरे रुक जाओ भाई ऐसे ऐसे हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट से प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पे और मुझे आशा है कि नए साल आते आते, आते आपके सारे जितने भी गम हैं वो धुल जाएंगे पुराने साल के लेके और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए आप हर एक एग्जाम एक को क्लियर करो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो आपको वो मिले अच्छा अच्छा ओबियसली दूसरों के लिए भी वेरी गुड आफ्टरनून महेंद्र यदुवंशी इंद्रजीत करण अमित मनोज राधे राधे अनु वेरी गुड आफ्टरनून फटाफट से आइए और फिर अपने जी के शो को शुरू करते हैं हेलो जी हेलो जी गुड आफ्टरनून एंड चलिए बताइए कि आपके नए साल की तैयारियां क्या क्या है क्या क्या रेजुलेशन आपने एक पन्ने पे लिखे होंगे कि भाई हम नए साल आते आते मतलब तीन चार दिन के अभी आप आराम ले रहे होंगे कि जो भी करना है बस नए साल में करना है है ना तो वो क्या क्या चीजें हैं क्या क्या बातें हैं जरा बताओ नमस्कार गणेश ऋतिक मनोज विपिन विकास उदय शिवम आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून मैं नमू मलिक हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके प्यारे सी फैमिली पर गुड आफ्टरनून चलिए अपने जीके शो को शुरू करें तैयार हो और आज का जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है आपके एसएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर बताऊंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है तुम जो हो डाउनलोड कर लोगे उसके आंसर और जवाब देते रहोगे जिस तरह कल हमने शुरू किया था कि आप मुझे बाद में अपना फीडबैक भी देंगे कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही या इतने क्वेश्चन गलत हो गए हैं आज वाले पेपर में देखूंगी क्योंकि आज वाला पेपर कल वाले से बहुत ज़्यादा मस्त और अच्छा होने वाला है पहला क्वेश्चन लेके डियर अपना एनालाइज साथ, साथ करते रहना कि हमने इस क्वेश्चन में कहाँ पर क्या गलती की है और कितने हमने सही किए हैं वर्दी चाहिए आपको तो चलिए डियर वर्दी बैच की तो बस मेहनत इसी पेट की हुई है कि आपके शरीर पर एक प्यारी सी वर्दी आ जाए है ना चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को या फिर कहे अपने जीके शो के पहले प्रश्न को एक एक क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट लेके स्कैन करके देख लेना एसएससी का एक बहुत अच्छा प्रीवियस पेपर होगा एंड लेट सी कि आप में से कितने कितने नंबर लाते हैं है ना साउथ स्टार जी मैं तो एकदम मस्त नए साल में नया बवाल देखो बवाल तुम्हारे साथ ही ना हो जाए ध्यान से करना जो भी करना ठीक है और ज्यादा बाहर भीड़ भाड़ में मत जाना डियर क्योंकि कोरोना आपका शायद दस तक दे जाए हम तो दुआ करेंगे वही ना दे और जी सबसे पहले राकेश जी का धन्यवाद करो क्योंकि उन्होंने पोल लगा दिया है अब मुझे पता नहीं है देखो राकेश है या उमेश है बट दोनों का ही धन्यवाद कर दो आप क्योंकि वही है जो आपके मन की हर एक बात को समझते हैं और आपके सामने प्रकट करते हैं इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है तो बताइए मन्नार नीलगिरी नंदा देवी या फिर सुंदरवन साथ साथ देखते रहना हर पांच क्वेश्चन में मैं आपसे फीडबैक लूंगी कि आपने कितने सही किए हैं ठीक है क्योंकि छोटे छोटे टारगेट से ही एक बड़ी ऊंचाई तक जाया जाता है बिल्कुल सही आपने कहा सबसे पहला है जी नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व 1986 में इसको स्थापित किया गया था या इसको बायोस्फेयर रिजर्व बनाया गया था अगला क्वेश्चन कि हमारे संविधान की ठीक है हम आ, चलो इसके पोल को तो देख लो एक बार क्या पोल में पोल खुली है उत्कर्ष मैं दुआ करूंगी कि आपकी हर मनोकामना ऊपर वाला पूरी करे आपके पास क्वेश्चन है अगला भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का आदर्श किस संविधान से लिया गया है द आइडियल ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका कैनेडा जापान या फिर अमेरिका बताइए दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने पोल भी आ गया है फटाफट से आंसर दीजिए ओके निखिल चौधरी डियर कुछ क्वेश्चन ना जैसे आपके प्रीवियस ईयर के भी है तो कुछ रिपीटेड है आपके मतलब सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया है तो उनको क्यों रखना है हमारा मकसद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नए और अच्छे क्वेश्चन करने का हौसला ना छोड़कर सामना जहान का बदल रहा है आ, आगे हम पढ़ नहीं पाए हैं बी कह रहे हो कनाडा और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो चलिए दो क्वेश्चन अभी हमारे बन गए हैं जिनका सही जवाब आपने दिया है उत्तराखंड में उस पास यानि कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है फेडरलिज्म भी आपका कनाडा से ही लिया गया है ऋषिपाल आप बहुत दिनों बाद आए हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन बहुत दिनों के बाद आए हो बताइए अगला क्वेश्चन एंड पोल में सबसे ज्यादा अभी तक देखो बी पे ही आप जा रहे हो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था हमारा उसमें ओके okay. कोई नहीं संजय लेट नहीं हुए हो अभी स्टार्ट ही हुआ है बी सबसे ज्यादा मेजोरिटी थी लेकिन ए और डी को भी लगभग 21% और 20% वोट मिले हैं तो तुम्हारा तो गलत हो गया है अब देखूंगी कि तुम अपना क्या बोलोगे कि कितने गलत किए हैं अच्छा आप कह रहे हो मैम पेंसिला लिपुलेक, बनिहाल या फिर खारदुंगला उत्तराखंड में जो कि नेपाल और तिब्बत से बॉर्डर बनाए हुए हैं डियर तो तिब्बत में आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय का कैलाश मानसरो कैलाश पर्वत ये लिख लो बस ठीक है अब उत्तराखंड में जितने भी आपके दर्रे है ना उत्तराखंड में ये नेपाल हो गया आपके वो सारे बॉर्डर पर ही है वो नीति हो वो मना हो ठीक है नीति माना या वो लीपू लेक हो ठीक है लीपू लेक इनमें से जो लीपू लेक दर्रा है आप उससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक सुगम सा स्थान है उससे पहले जो जाया करते थे वो आपका सिक्किम के बेसिकली दो रास्ते हैं आपके आप सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी जा सकते हो कैलाश मानसरोवर पर ठीक है ये दोनों ही रास्ते आपको देंगे भगवान शिव से मिलने के लिए तो लिपू लेक इज द राइट आंसर पोल में बी पे ही सबसे ज्यादा जा रहे हैं वेरी गुड चलिए आगे चलते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन ठीक है किसका अपरूप होता है बकमिंस्टर फुलेरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ बोरोन आयरन फोस्फेरस और कार्बन बेसिकली इसमें एक एलिमेंट होता है जो जिसके बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं एक कोवेलेंट बोंड के तरह अब आंसर तो मैं आपको दूंगी नहीं क्योंकि मुझे तो आपकी तैयारी देखनी है इससे पहले वाले में बी सबसे ज्यादा आंसर दिया है बिल्कुल सही है जिन्होंने सी उसके बाद सी पे सबसे ज्यादा भरोसा किया है नहीं जी बनिहाल पास आपका जम्मू कश्मीर में है जहां से अटल नहीं ज्वाहर सुरंग गुजर रही है सबसे लंबा हमारा राजमार्ग भी वहीं से शुरू हो रहा है और दक्षिण तक जा रहा है और वो आपको जम्मू से श्रीनगर लेकर जाता है ठीक है कार्बन यानी कि C60, सिक्सटी वेरी गुड ठीक है कार्बन इज द राइट आंसर चलिए देखते हैं पहले पोल में कि डी पे कितने जा रहे हैं और पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए विश्व की वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री महिला पीएम का नाम बताइए कौन थी चलो हमारे भारत की भी बता देना कार्बन डी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है केदारनाथ जाना है न्यू ईयर में नहीं आई थिंक तो डियर अप्रैल में खुलेंगे ना उनके तो कपाट या अप्रैल में बंद खुलते हैं क्योंकि अभी तो वहां पे ऐसी बर्फ पड़ रही है कि वो तुम्हें दबा ले जाएगी ढूंढे नहीं मिलोगे आ, ओके आप कह रहे हैं श्रीमाओ भंडार नाइके ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी पहली जरा ये तो बता दो ए पे जा रहे हैं सबसे ज्यादा डी पे जा रहे हैं सबसे ज्यादा और इतने गलत तुम कैसे हो सकते हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर और ये श्रीलंका की सबसे पहली पीएम बनी थी श्रीलंका की सबसे पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी हमारे भारत की थी ठीक है हमारे भारत की पीएम थी थी में ही होगा ना श्रीलंका की बिल्कुल 1960 में 1960 इसके सामने ही लिख दू पता चले ये बाद में पीडीएफ खोलो और इंदिरा गांधी जी को 1960 में लगा दो ठीक है अगला क्वेश्चन लेट्स सी इसका जवाब कितनों ने सही दिया है? दस पे करेंगे कि कितने सही है कितने गलत है ओके श्रीलंका आई वॉज राइट वेरी गुड गौरव सर आप भी आ गए विकी विनीत अजय शिवम श्वेता शिल्पी सबने सही जवाब दिया है अब बताने के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण का सुझाव दिया था रामसेवक रंगराजन राधे श्याम या फिर कृष्णन पैनल ने बहुत इजी पुराना क्वेश्चन है दैट मींस आपका एक नाम नहीं लूंगी एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका जल्दी से बताइए पांचवी का थर्टी फोर परसेंट ने डी पे ताला लगाया था जो कि आपका डी पे नहीं बी सही जवाब था ठीक है तो एलिजाबेथ आपका करेक्ट आंसर नहीं था सातवें क्वेश्चन का आपके सामने पोल है जल्दी से आंसर करो ओके okay. बी बी एंड बी में लिखा है रंगराजन पैनल और जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है ठीक है बी इज द राइट आंसर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर आपसे पूछा जा सकता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी रंगराजन और 74 परसेंट आपके बी पे विश्वास दिखाया है बी को लॉक किया है वेरी गुड और हाँ परसों ना चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ एक नहीं लेसेथो नाम की एक कंट्री है एक देश है जो चारों तरफ से एक दूसरे देश से घिरा हुआ है मुझे बताइए कि वो कौन सा देश है जिससे वो घिरा हुआ है केबीसी में पूछा था परसों या फिर उससे एक दिन पहले मतलब रिसेंट ही लेसेथो एक देश है जो पूरी तरह से एक दूसरे देश से घिरा हुआ है उस दूसरे देश का नाम बताइए 1973 बिल्कुल सही बताया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ध्यान से सुनना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम यानी कि एक्ट 1972 के तहत इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी ठीक है आगे चलते हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिए शार्क तीन दिन लगातार तीन क्वेश्चन है शार्क से प्रीवियस ईयर में देखो कितनी इंपॉर्टेंस है इन ग्रुप्स की जिसमें भारत एक देश शामिल है क्षेत्रीय सहयोग के लिए शार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी एंटेनियो ये तो महिला ही नहीं है पहली बात तो ये ओके फातिमा ध्याना सईद न्यामेन किंग्सले या फिर मैंडलीन एलब्राइट मैम क्या मैम वोट मैम वेरी गुड आफ्टरनून करन विराट करण विराट प्रिया वेरी गुड आफ्टरनून देवेंद्र गुड आफ्टरनून पुलिस डेरी विद समीम डायरी सॉरी <laughs> गुड आफ्टरनून आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हरी आपका भी ए बोल रहे हो ए तो मैंने वैसे ही कमाल कर, हटा दिया है रोहित आपको कैसे भूल सकते हैं सही फीडबैक तो आप ही देते हो अपना हमारा अच्छा बताइए फटाफट से ए पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं अब बी पे चले गए हैं लेट सी पोल को खत्म होने दो अरे गौरव थैंक यू सो मचेश आप इलाहाबाद से हो बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हो बी है और बिल्कुल सही है ध्याना सेठ नहीं सईद ठीक है इस द राइट आंसर और ये डियर आपकी मालदीव की थी एक बार जरूर देखना ठीक है मालदीवियन थी शार्क शार्क में सबसे नया देश जो ऐड हुआ था जब उसका विस्तार हुआ था वो कौन सा था फटाफट से बताओ शार्क में जो नया देश ऐड हुआ था और जब उसका विस्तार हुआ था तो वो कौन था फ़रवरी 2011, साउथ अफ्रीका था वाह क्या बात है इनमें से किस राज्य ने मार्च 2019 में घरेलू रजिस्टरों के रखरखाव विधेयक को पारित किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास्ट द मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्ड बिल इन मार्च 2019 बेसिकली उस राज्य ने ये किया है कि भाई दूसरे राज्यों से लाइक बांग्लादेश म्यांमार से जो आपके मतलब जो उस राज्य के नागरिक नहीं हैं उन लोगों को अलग छाटना एक तरह से ठीक है कि कितने इतना ऐसे परिवार या ऐसे लोग हैं तो उसके लिए ये बेसिकली आपका एक्ट आया था बताइए सही जवाब आसाम मिजोरम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा अफगानिस्तान बिल्कुल सही 2007 में जब एक्सटेंशन हुआ था शार्क का तो आपका अफगानिस्तान ऐड हुआ था जिसपे आज के टाइम पे तालिबान का कब्जा है आशीष वेरी गुड आफ्टरनून चलिए जवाब दो और अब ये दसवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है अब फटाफट से कमेंट करके बताओ कि दस में से सही कितने हुए हैं आज कल मैं गलत पूछ रही थी क्योंकि क्वेश्चन आपके थोड़े से इजी से थे ओके जो आपके एसएससी जीडी में हु बहू पूछे जाते हैं आज ये कोई दूसरा पेपर है एसएससी का जल्दी से बताओ सही कितने हुए हैं आज थैंक यू सो मच आने के लिए जल्दी से बताइए ओके करण साउथ अफ्रीका एक क्वेश्चन पूछा था लेसे देश, से घिरा हुआ है एकदम सही जवाब है आपका ओके आप कह रहे हो ए असम 2019 में मिजोरम ने ये बिल पास किया है 2019 में मिजोरम ने ये बिल पास किया है इसका उद्देश्य इलीगल फॉरनर्स की छटाई करना होता है ठीक है करना था सॉरी इलीगल फॉरनर्स की छटाई कितने सही हुए हैं और दिल से ईमानदारी से जवाब देना जैसे रोकी ने दिया है कि मैम दस में से दो सही हुए हैं कितने ईमानदार है दिया ठीक है उनको पता है तो तुम सब भी ईमानदारी से देना क्योंकि पोल में तुम्हारी पोल खुलती जा रही है अच्छे से एक क्वेश्चन पे भी तुम 50 परसेंट से ऊपर नहीं जा पा रहे हो इस क्वेश्चन को भी बी 42 परसेंट ने सबसे ज्यादा सही बताया है बाकी सब ने तो गलत ही है ना छह राइट है ओके राजकुमार इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था फरवरी 2013 में जो महारत्न कंपनी बनी थी वो आपकी कौन सी थी बताइए अब देख लो आपका ये 2019 का पेपर था एसएससी का उसमें 2013 का सवाल पूछा गया था तो लेट्स सी कि आप आ, ओके सात सही है तीन सही है हरी ओके जिसने दस अटेम्प्ट किए हैं सारे के सारे वो भी जवाब दो और साथ में लिखो कि हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं और इतने गलत या सही हुए हैं अनु आप तो अभी आए हो ओके चलिए ए इज द राइट आंसर बिल्कुल सही बी एच ई एल ठीक है Heavy Electrical Limited, आपका बिल्कुल सही होगा. भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के टाइम पर यानी कि सातवीं और छठी शताब्दी में कितनी महाशक्तियां या फिर कहो महाजनपद हुआ करते थे ठीक है महा जनपद हुआ करते थे सी कौन सही आंसर देगा मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रही कि आप सबके नाम बताइए बिल्कुल नहीं पूछा बस ये बता दो कि कितने हुआ करते थे चलिए ओके ए पे जा रहे हैं सबसे ज्यादा फिफ्टी परसेंट के आसपास सी और आज तो क्वेश्चन अच्छे होंगे ना आज बताओ आज क्वेश्चन लग कैसे रहे हैं तुम लोगों को बिल्कुल और आपका सही जवाब एकदम सही है सोलह महाजनपद हुआ करते थे ठीक है सोलह महाजनपद हुआ करते थे इनमें से किस में सबसे तेज फल सुगंध यानी कि इनमें से किस मैटर की किस कंपाउंड की फ्रूटी फ्रेग्रेंस होती है कैसी फ्रेग्रेंस फ्रूटी फ्रेग्रेंस होती है फलों जैसी स्मेल आती है वोटिंग पोल बाद में आ रहा है अरे ये तो बहुत देर तक रुकता है आप वोट करो मजे से जैसे पिछले वाले में 72 परसेंट क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन था सब ने सोलह सोलह लिखा हुआ है देवेंद्र कह रहे क्लास का टाइम एक घंटे से दो घंटे कर दो ताकि फिर तुम्हारे सौ में से सिर्फ दस सही हो पाए है ना <laughs> अच्छा आज के क्वेश्चन देवेश कह रहे हैं क्योंकि जिन से ये हो नहीं रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली बेकार लगेंगे उनको क्यों अच्छे लगेंगे आपसे पूछना चाहिए यूपी की राजधानी भारत की राजधानी वो अच्छे होंगे है ना चलिए मिथाइल क्लोराइड मेथनोइक एसिड मेथेनोल या फिर इथाइल एसीटेट आप जा रहे हो ए पे सबसे ज्यादा आप कह रहे हो कि जो मिथाइल क्लोराइड है क्लोराइड खुद ही सोच के देख लो उसकी स्मेल जो होती है वो फ्रूटी फ्रेगरेंस की होती है आप गलत हो जो इथाइल एसीटेट होता है ना उसकी जो फ्रेगरेंस होती है कंपाउंड की वो आपकी फ्रूटी फ्रेगरेंस होती है तो आपका सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है टेट। तो सबसे ज्यादा जो निशान लगाए हैं आपने पोल में वो लगाए हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो लगाए हैं आपने ए पर जो कि गलत हो जाएगा हरी चौधरी कह रहे हो जहर से एक बार सूं के देखो पता चलेगा अच्छा उस ग्रंथी का नाम बताइए जो अन्य अंत्य्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है नेम ऑफ द द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पेनक्रिया पिट्यूरिटी राइनल या फिर एंड्रीनल बताइए फिफ्टीन का पोल भी आपके सामने आ गया है और आपके सामने ऑप्शन भी है जल्दी से आप आंसर करो वेरी गुड मॉर्निंग ध्यामा राकेश लाइफ में ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है पहली पहली बार।, पहली पहली बार पहली पहली बार कुछ गाना भी तो है ना ऐसा इट्स ओके पुष्पेंद्र इट्स टोटली फाइन बी इज द राइट आंसर एकदम करेक्ट आपका पीयूष ग्रंथि जो होती है ठीक है इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ध्यान से सुनना। एक दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है मास्टर का काम क्या होता है बच्चों को कंट्रोल में करना उनको तहजीब सिखाना है ना तो आपका सही जवाब होगा बी पीयूष गय थी अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आई ए टी ए में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम बताइए नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन बजट कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंडिगो को इंडिगो ही लिख लेना भाई ठीक है इंडिगो जो आज के टाइम पर जिसके इतने विमान उड़ रहे हैं ना बस की तरह लोग लद के जाते हैं उसमें स्पाइस जेट गो एयर या फिर जेट एयरवेज जेट एयरवेज बताइए पहली कुछ ना समझ में आए एक पहली, पहली 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 बार क्वेश्चन देखा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, है ना सेम वही वाली बात हो गई है ए पे जा रहे हो सबसे ज़्यादा इंडिगो मतलब मैंने इंडिगो क्या लिख दिया इससे अलग जाओगे नहीं आ, देवेंद्र टाइम कम है तो डियर अपनी पढ़ाई का टाइम क्योंकि जितना कंटेंट आपको मिल रहा है ना उतना भी कर लोगे ना वो मोर देन सफिशेंट है डियर इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दी है पीडब्ल्यू पे भी और जब टॉप तक पे भी वहाँ पर भी कि आपको इतना कंटेंट मिल चुका है अभी अगर आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे ना दो बार तो आपका पेपर फट हो जाएगा एकदम से मतलब पेपर फाड़ गया हो गया। आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला बी कह रहे हो ओके okay. सी पे भी जा रहे हैं गोयर इसका सही जवाब हो जाएगा बी स्पाइस जेट तो आज आपका ये दो क्वेश्चन और बज गए लेट्स सी मार्च 2019 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना इसको मार्च 2019 में जब आपके लोकसभा इलेक्शन हुए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत के चुनाव आयोग को आम चुनाव के लिए डैश ये प्रस्तुत किया था मतदान सूची का केंद्र क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर सकता है भारत में नहीं करने के लिए टू-डू तो लिस्ट कोड या फिर वॉलेंटी कोड फॉर एथिक्स या ऑफ एथिक्स ठीक है क्वेश्चन ध्यान से सुनना इन मार्च 2019 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रीवियस ईयर का ही है ये बाकी मैंने कहीं से क्वेश्चन उठाया नहीं है आपके सी एसएससी में पूछा गया है इन मार्च 2019 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड ए फॉर जनरल इलेक्शन 2019 टू द इलेक्शन कमीशन टू इंडिया ऑफ इंडिया ओके okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ना आप किसी देश को बर्बाद भी कर सकते हो किसी देश के अंदर आप देश भावना भी पैदा कर सकते हो उस देश के अंदर दंगे करा सकते हो आज के टाइम पे सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा पावर आज के टाइम पे आ गई है अगर आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी स्टेट में थोड़े बहुत कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो एकदम से न्यूज़ वो व्हाट्सएप के थ्रू ना जाने फेसबुक uh, के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इतनी जल्दी से फैलती है इसीलिए उस राज्य का सरकार कई बार उस राज्य का इंटरनेट बंद कर देती है दिल्ली में होता है यूपी मतलब बहुत जगह ऐसे होता है तो यहां पर डियर 2019 के चुनाव में एक फेयर वोटिंग हो ठीक है उसके लिए वॉलंटरली कोड ऑफ एथिक्स जो है वो आई आई ने दिया था इलेक्शन कमीशन को तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है डी जो है वो सही जवाब होगा एक फेयर इलेक्शन के लिए क्लियर हो गया कोई डाउट अब इसमें है आप मुझे लगा कि ऑप्शन से आप बहुत अच्छे से दे दोगे इसका जवाब सोशल मीडिया आपका किस काम के लिए किस अच्छे काम के लिए यूज में आ सकता है डी फोर डेरी मिल्क भारत के संविधान में इनमें से कौन सा आप बार बार बोलते हो ना मैम ना कोई प्रीवियस ईयर का पेपर करवाओ लो पेपर ही आ गया और तुम्हारी पोल भी खुल रही है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता मतलब भारत का हर नागरिक समान नागरिक संहिता के अंडर में काम करेगा हर राज्य जिस पे आजकल बिल भी प्रेजेंट किया जा रहा है डियर हर एक राज्य में लागू करने के लिए ये किससे संबंधित है किस भाग में है ये भी बताना है और पहला वो कौन सा राज्य बना था जिसने इस कानून को लागू किया है बाईसवे का पोल भी लग गया है अच्छा अच्छा बाईस क्वेश्चन हो चुके हैं अब फटाफट से बताओ सही ज्यादा है या गलत ज्यादा है कितने नहीं पूछा सही ज्यादा हो रहे हैं या गलत ज्यादा हो रहे हैं बताओ गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट वेरी गुड और ये अंडर आर्टिकल 44 फोर है और आप जानते ही हो कि 44 फोर तो हमारे डीपीएसपी यानी कि पार्ट भारत लिख दिया भाग लिखना था ठीक है भाग चार में मिलेगा पैंतीस यानी कि छत्तीस से लेके इक्यावन तक जो आपके है वेरी गुड देवेंद्र रात को कितने बजे सो जाते हो मेरे सही अट्ठारह ओके अच्छा गलत ज्यादा हो रहे हैं देखो हाँ ये बता दो क्योंकि अब हम ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो अब एक दो तीन ऐसे गिन नहीं रहे होंगे मुझे पता है आपके दिल की बात बी फोर बिहार इज द राइट आंसर विशेष ओलंपिक ध्यान देना विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन इनमें से किस कंट्री ने किया था कंट्री नहीं इनमें से किसने किया था ठीक है कंट्री नहीं है भाई गलत ज्यादा हो रहे हैं ओके okay, और किसी का भी ये नहीं लिखा हुआ मिला कि सही ज्यादा हो रहे हैं अच्छा दस में से सात गोरी वेरी गुड बीस में से चार अब ये सही है ये गलत क्योंकि डियर अगर चार सही है तो आपका स्कोर थोड़ा सा बुरा है आप उसको मेहनत करिए वर्क करिए और देखिए कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो ओके चलिए हाई क्रिएट क्रिएशन टारगेट वन मिलियन बिफोर बेला ओके ऑस्ट्रिया जर्मनी स्वीडन आबूधाबी सब सबका गलत है जिनका भी मैं देख पा रही हूँ पुष्पेंद्र को छोड़कर तो ये आबूधाबी में हुआ था आपका ठीक है इसका उद्घाटन अच्छा मुझे बताइए ऑस्ट्रिया की भी आपको पता होगी स्वीडन की राजधानी क्या है ठीक है उस... स्वीडन की राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की वियना है जर्मनी की बर्लिन है ओके स्वीडन की बताइए इनमें से कौन सा इंटरनेट का पहला कामकाजी प्रोटोटाइप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट प्रीवियस ईयर का ही है मैम संजीव के 18 सही है फिनलैंड तो अपने आप में एक देश है तो उसकी राजधानी कैसे हो सकती है स्वीडन की स्वीडन की राजधानी तो गलत बीत नहीं है सही बीत नहीं है ओके चलिए एपी नेट एन सॉरी बिल्कुल सही जवाब फोर्थ इज द राइट आंसर ओके चौथा जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा नेक्स्ट पे चलते हैं इनमें से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो भारत में सातवीं और छठी शताब्दी बेसिकली आपसे जो सोलह महाजनपद पूछे गए थे ना डियर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सोलह महाजनपदों में शामिल नहीं था ठीक है यही पूछा है ना यस yes, यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनो ओके okay, ये नहीं पूछा है मोनार्कल स्टेट पूछा है ओके मोनार्कल स्टेट दैट एग्जिस्ट इन द सेवेंथ एंड अर्ली सिक्स सेंचुरी ओके राजशाही राज्यों में नहीं था मगध वैशाली अवंती या फिर कोशल बताइए <coughs> नहीं कौशल आपका बिल्कुल था आपका इसका सही जवाब हो जाएगा व्रज जिसकी राजधानी वैशाली थी ठीक है बी इज द राइट आंसर जो किसी राजशाही के अंडर काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे इसके अलावा कुरु और मल्ल भी थे जो आपके इससे अंडर नहीं आते थे बाकी जितने भी थे उन सब में राजशाही चलती थी मोनार्कल स्टेट थे ओके कुरु और मल ये भी एक आप याद रख लेना उस राज्य का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छावियों से दहेज में प्राप्त किया था बेसिकली चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई थी वो कुमार देवी से हुई थी जो कि एक लिच्छावी राजकुमारी थी तो उनको दहेज में आज के टाइम पे होता तो उन पे केस कर सकते थे ये राज्य दिया गया था जल्दी से बताइए प्रयाग नो no? बताओ फटाफट से मलकुरु कंबोज ये तीनों और आपका डियर वैशाली ये तीनों आपके मुनार्कल स्टेट नहीं थे बाकी जितने भी आपके महाजनपद थे वो आपके आज तो स्कोर ज्यादा ही खराब है मुझे पत, मैं जब कल डियर आपकी आपके लिए क्वेश्चन आंसर रेडी करवा रही थी कल ही मुझे पता चल गया था और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक टीचर को ना अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है है ना पाटलिपुत्र वेरी गुड ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पाटलीपुत्र यानी कि बी ऑप्शन लेट्स सी कि पोल में किसका सही जवाब है यह आपका पुराना क्वेश्चन है डियर नॉट सो इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन बताइए हु द फोर्थ दो हजार 2018 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन आपके सामने चारों ऑप्शन है आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जल्दी से बताइए पाटली पुत्र इज द करेक्ट आंसर मैम बिल्कुल सही पाटली पुत्र ही आपका बी फॉर बलिया चलिए चलिए बताइए कि बलिया जिला किस स्टेट के अंदर है पाटली पुत्र, वेरी गुड सबसे ज्यादा बी सिक्सटी परसेंट मतलब आपने अच्छा स्कोर किया सभी को उसका आंसर जो है वो पता था. अरुण जेटली साहब हर्षवर्धन हरदीप पुरी जो अभी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है जिनका एक भाषण बहुत वायरल भी हो गया था या फिर पीयूष गोयल तो डी फोर डोल और बिल्कुल सही जवाब है आपका पीयूष गोयल साहब भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है बेसिकली दिल्ली सल्तनत आपकी कब शुरू हुई थी कब उसका एंड हुआ कैसे हुआ जरा बता दो एक बार पीयूष गोयल गोयल पुष्पेंद्र देवेश अभी तो थोड़े सही हो रहे होंगे पिछले तीन चार क्वेश्चन से है ना बिल्कुल यूपी में है बिल्कुल सही जवाब दिया आपने क्वेश्चन आपके काफी सारे हैं अभी तो टाइम भी बचा हुआ है देखो मैंने दो पेपर को मर्ज करवाया था तो देख लो लगभग पचास तो होंगे एक आध रिपीटेड भी आ गए थे एक ही पेपर में महाजनपद से दो सवाल पूछे गए थे ठीक है अच्छा इसका पोल भी लग गया है फटाफट से आंसर दो ए सबसे ज़्यादा दे रहे हैं कि मैम 1206 एडी से 1526 तक बिल्कुल सही जवाब है आपका गुलाम अच्छा चलो अब मैं पूछती हूँ सबसे पहले शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन एबिक एबिक 1206 से लेकर 1290 में मुझे बताओ कि 1290 के बाद और कहां तक ये कौन सा वंश चला था जल्दी से बताइए गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश लिखू बताओ गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश लिखू या किस ताशक का नाम लिखू खिलजी वेरी गुड ठीक है खिलजी वंश खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक 1320 से लेकर 1414 तक आपका कौन सा वंश लिखो खिलजी के बाद जल्दी से बताओ खिलजी के बाद इलतुस तो डियर कुतुबुद्दीन एबक का दमाद था जो इसके बाद आया था तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान मूवी नहीं देखी गोरी भेजता है अपने दास को भारत में राज करने के लिए खिलजी के बाद आता है आपका तुगलक वंश ठीक है तुगलक वंश जी के टी एस एम सैयद वंश 14 14 से लेकर जल्दी बताओ कि यहां पर क्या लिखूं बहुत ही छोटा सा शासनकाल और उसके बाद आपका लोधी वंश कौन सा वंश लोधी वंश फिर बाबर जी ने अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था लास्ट डेट है 1526। अब मुझे बस एक रह गई आपकी कि सैयद वंश कब से कब तक था जल्दी से बताओ सैयद वंश कब से कब तक था फोर्टीन लो इधर आ जाते भाई लोदी वंश आ गया लास्ट में बिल्कुल तो आप कहोगे मैम चौदह तक ठीक है और उसके बाद चौदह से लेकर 1526 तक आपका क्या था लोदी वंश देन आपका मुगल वंश आ जाएगा नेक्स्ट अच्छा इसका आंसर हो जाएगा ए अगला क्वेश्चन पोल में भी सबसे ज्यादा ए ही आंसर कर रहे हो एकदम करेक्ट है मिहिर भोज इनमें से कहाँ के शासक थे या कौन से शासक थे इनमें से के शासक थे आपको रिक्त स्थान यहां पर भरना है हाँ देखो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था सपा से छोड़ी थी ना उन्होंने कांग्रेस कांग्रेस में वहां पे आए थे हाँ इक्यावन इक्यावन बिल्कुल सी आज तो मैम अच्छा अभी तक का स्कोर आपका लाइक जैसे कि मैम हमारा जितने गलत हुए हैं उतने सही हुए हैं तो आपके सही ज्यादा हो रहे हैं कहाँ तक पहुंच गए तीस क्वेश्चन पे चलो अच्छे उसमें मिले हैं तीस क्वेश्चन में से सही ज्यादा है या गलत ज्यादा है बताइए मिहिर थे प्रतिहार डायनेस्टी के वेरी गुड सी इज द राइट आंसर वर्ष 1978 में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया है वर्ष 1978 में ड संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया था क्योंकि पहले वो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था तो वो कौन सा संशोधन था जो 1978 में हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था देखो कितनी सिंपल भाषा में मैंने पढ़ दिया है आपके लिए क्वेश्चन ओके okay, तो मैम आज गलत ज्यादा हो रहे हैं और आज तो पूरा मजा आ रहा होगा क्योंकि डेली बोलते हो ना मैम इजी करवाते हो इजी करवाते हो आज चल गया पता लेकिन डियर टेंशन बिल्कुल मत लेना इससे हताश बिल्कुल मत होना ये बस मुझे आपकी एक ना तैयारी देखनी थी आप मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये बात कि इससे हाफ इजी आएगा आपका क्वेश्चन पेपर ठीक है हाफ मतलब आपका जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना डेली क्वेश्चन पेपर उनमें से ही बनने वाला है इसी में ही चार पाँच क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं आपको डेली बेसिस पे कराती हूँ तीन दिन से लगातार शार्क करा रही हूँ ये अमेंडमेंट न जाने कितनी बार करवा लिया है मैंने बिल्कुल करेक्ट वो चवालीसवा संविधान संशोधन था जो 1978 में आया था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था बेसिकली बयालीसवे में करेक्शन करने के लिए चवालीसवा संशोधन लाया गया था ठीक है आगे चलो गत चैंपियन ओके कौन सा चैंपियन भाई द डिफेंडिंग चैंपियंस डैश वो द फिफ्थ रणजी ट्रॉ अच्छा अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है ना जल्दी से बताओ आपको कौन लगता है कौन जीतेगा ये पुराना क्वेश्चन थर्ड ईयर आज के टाइम पे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है वैसे 2019 की बात करें तो विदर्भ जीती थी अच्छा 2021 में कौन जीता है रणजी ट्रॉफी अभी चल रही है उस रणजी ट्रॉफी के मैचिस चल रहे हैं ना अभी चलो ये आपका क्वेश्चन पुराना है इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत के अधिकतम लोगों को रोजगार देती है मतलब आज के टाइम पर भी हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा या रोजगार में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस सेक्टर की है ओके okay? किस सेक्टर की है मुंबई ने या विदर्भ ने भाई विदर्भ ने हराया था शायद 2019 का देखो 2019 का याद तो नहीं है लेकिन चलो 21 वाला बताओ ओके okay. एमपी ने जितेश का एकदम करेक्ट आंसर आया है और अभी का तो खैर पता चलेगा डियर आपका एग्रीकल्चर यानी कि हमारा प्राइम सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ओके तो एग्रीकल्चर आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो प्रदान कर रहा है आज भी हम पूरी तरह से कहो तो कृषि प्रधान देश ही है ओके अगला क्वेश्चन बगलिहार डैम आपको इनमें से किस नदी पर मिलेगा नौ जाने कितनी बार मैंने डैम्स का क्वेश्चन आपको करवाया है उधर कह रहे सीफोड चॉकलेट जो कि बिल्कुल सही जवाब था ठीक है ओके जितेश थैंक यू सो मच ऐसे मेरे को लगा डियर आपका वो था क्योंकि 2019 का ना आपसे पूछेंगे और ना उससे कोई मतलब है और मैं सिर्फ आपके इंटरनेशनल वनडे दे वैचे देखती हूँ तो रणजी का मेरे को ज्यादा आइडिया भी नहीं है सतलुज पर है बगलीहार डैम बगलीहार डैम जम्मू एंड कश्मीर में है आपका तो आपका सतलुज का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जम्मू कश्मीर से ठीक है तो अभी आप कह सकते हो कि मैम ये चेनाब रिवर पर है और मतलब तुम डैम्स में भी अब गलती कर रहे हो रजत रंगनी पुस्तक मैं खुद ये क्वेश्चन आपको चार बार करवा चुकी हूं रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कौन है तो यहाँ से एक बात और साबित हो जाती है कि डेली बेसिस पे जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके वर्दी बैच के लिए उनमें से हंड्रेड परसेंट हु क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं तो आपके सामने बानभट्ट कलहन कालिदास या फिर आपके सोमदेव इनमें से रजत रंगिनी की पुस्तक लेखक कौन है ए बान सबसे ज्यादा ए पे जा रहे हो ओके नहीं जी बी यानी कि कलहन इज द राइट आंसर ठीक है कलहन इज द राइट आंसर भारत में राज्य उच्च न्यायालय बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है भारत में राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी यही जो आप आंसर दोगे दिल्ली हाई कोर्ट की भी पहली महिला क्या थी हाई कोर्ट में जो आपका प्रेजेंट कर रही थी ठीक है हाई कोर्ट में जाने वाली पहली महिला दिल्ली हाई कोर्ट में लेकिन हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी ये रह चुकी है जल्दी से बताओ वो कौन सा राज्य था और आपकी वो कौन लेडी थी बत, लीला सेठ बिल्कुल करेक्ट है लीला सेठ बी इज द राइट आंसर और वो कौन सा प्रदेश है वो कौन सा स्टेट है कौन सा राज्य है बताओ लीला सेठ बिल्कुल सही है लीला सेठ फातिमा बीबी नो no. लीला सेठ पोल भी आ गया है एंड ए पे नहीं बी पे जा रहे हैं सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में ठीक है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ये चीफ जस्टिस रह चुकी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना इनमें से किस राजा ने की थी राजेंद्र चोल पुलकेसिन मिहिर भोज या फिर आपके धर्मपाल पाल वंश के धर्मपाल बताइए हिमाचल मैम हिमाचल वेरी गुड वेरी गुड फटाफट से आंसर दो अगले क्वेश्चन का बी पे 78 कहूं तो 80 बी पे दिया है गुड नहीं मैंने आपका सुप्रीम कोर्ट तो पूछा ही नहीं भाई बहुत सही जवाब मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मतलब सभी को ऑलमोस्ट आंसर पता था ओके okay. धर्मपाल बिल्कुल सही ठीक है धर्मपाल अच्छा एक क्वेश्चन पूछू जो चाणक्य थे वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे किस यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे बताना जरा तब तक अगला क्वेश्चन रख देते हैं आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को ध्यान से सुनना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आई होप आप साइंस भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे जिन जो भी मैम आपकी साइंस के लिए अलोट है या सर वट एवर आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा डैश के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ओके बताओ कंट्रोल की जा सकती है That means, like, जब अंधेरा होता है तो ये जो आप आंसर दोगे वो अपने आप ही थोड़ा लार्ज हो जाता है जब बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है वो सिकुड़ जाता है आप बताएंगे कि क्या इसका सही जवाब होगा और हिंदी में आपका गलत भी लिखा जा सकता है डियर आपका सही जवाब होगा प्यूपिल ठीक है Let's see C पे कितने गए हैं बी पे जा रहे हैं सारे के सारे pupil is the right answer न रेटिना बिल्कुल भी नहीं है pupil, ठीक है तो सी इज द राइट आंसर तो आज तो तुम्हारे मजे आ रहे हैं मिथुन एक मवेशी की नस्ल डैश में पाई जाती है मिथुन एक कैटल ब्रीड इज फाउंड इन आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश केरल या फिर महाराष्ट्र प्यूपिल वेरी गुड तो देखो तक्षशिला वेरी गुड पुष्पेंद्र तो नालंदा नहीं तक्षशिला सही जवाब होगा दूसरी बात मुझे पता है कि आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं तो जितने भी गलत किए हैं उनको नोट जरूर करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एक बहुत अच्छे पेपर से आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके उस पेपर में पूछे जाते हैं तो अपनी तैयारी को अब देख लो कहाँ आपको मेहनत करनी है किस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है किस एरिया में आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है आप कह रहे हो मैम बी अरुणाचल प्रदेश और एकदम सही जवाब दे रहे हो बी इज़ द राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है ये ज्यादातर आपको हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में और एशिया की नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में मिलेगा ठीक है सॉरी साउथ ईस्ट कंट्रीज में मिलेगा थाईलैंड म्यांमार जो ये नीचे नीचे जाते हैं ना एशियान कंट्रीज उनमें ओके साउथ एशियन कंट्रीज वेरी गुड तो कैसा रहा रघुवीर फिर आज का सेशन अठारह के भारतीय विद्रोह ठीक है अठारह की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए कुंवर सिंह जयंती इनमें से कहा मनाई जाती है कल ही या फिर परसों के क्वेश्चन में डियर हमने देखा था अट्ठारह की क्रांति जो अलग अलग प्रदेशों से शुरू हुई थी अलग अलग जगहों से शुरू हुई थी उनके लीडर्स के नाम हमने जाने थे वहाँ पर कुंवर सिंह का भी नाम आया था जहाँ से उन्होंने लीड किया था अट्ठारह के विद्रोह को तो आ गया ना वही सवाल जो मैं डेली आपको कराती हूँ बताओ बिहार वेरी गुड डियर आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बिहार क्योंकि उन्होंने बिहार से ही लीड किया था हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है एक सैनिक आपका क्या करता है आप कहोगे कि मैम एक सैनिक एक देश को एक राष्ट्र को इम्यून करता है उसको शक्ति प्रदान करता है उसकी रक्षा करता है तो जल्दी से बताओ हमारे शरीर का वो सैनिक कौन है सोल्जर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी आज तो मजे आ गए तुम्हारे हैं, आज तो कहोगे कि मैम ने हम तो ऐसे ही बोलते थे मैम बस कमेंट करने के लिए आज तो मैम ने सच में ही क्लास लगा दी व्हाइट ब्लड सेल्स क्योंकि डियर इनका काम ही होता है आपके शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखना आपके शरीर को इम्यून करना जैसे एक सैनिक करता है अपने देश को हमेशा इम्यून रखना बाहर के खतरे से लड़ने के लिए तैयार रखना तो सी, सी लिखा है या बी में बी में है व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक है कौन सा हार्मोन ठीक है डियर आप इसको ओके okay, ये है आपका ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड विच हार्मोन लेट्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकिंग कौन सा हार्मोन आपका मदद करता है ओके okay. और इसमें इसका सही जवाब देखो ऑक्सीटोसिन होना चाहिए भाई और ऑक्सीटोसिन इसमें है नहीं प्रोलैक्टिन देखो प्रोलैक्टिन तो होता है आपके एक फीमेल में ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन होता है लैक्टिन मतलब दूध से फीमेल में ये मिल्क प्रोड्यूस करता है ठीक है मिल्क प्रोड्यूस करता है तो मेरे हिसाब से जितना देर बायो का पता है मेरे हिसाब से इसका जवाब ऑक्सीटोसिन होना चाहिए ठीक है नहीं प्रोजेस्ट्रोन तो आपका मेंस्ट्रुअल uh, साइकिल हो गया प्रेगनेंसी हो गया उस दौरान यूज होता है एस्ट्रोजन आपका नहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये तो एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो इसका जवाब आपको आपकी बायो वाली मैम दे देंगी मेरे हिसाब से ऑक्सीटोसिन होना चाहिए डियर इसका सही जवाब क्योंकि वही आपका यूज होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ओके okay? चलिए इसको अभी छोड़ते हैं या फिर मैं आपका इसका कल आंसर क्योंकि अभी मेरे दिमाग में तो देखो ऑक्सीटोसिन ही आ रहा है इसके बाद अगर इसका जवाब इन चारों में से हुआ जो मुझे लगता नहीं है एक में थोड़ा सा डाउट है मुझे बी वाले में सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन नहीं है प्रोलेक्टिन नहीं है क्योंकि ये आपका फीमेल में मिल्क प्रोड्यूस करता है ओके अगला क्वेश्चन दो आप ये अच्छा है बताइए नहीं बी अच्छा मतलब बी रह गया तो बी होगा रघुवीर देखो अभी बी के बारे में मेरे को अभी आइडिया तो नहीं है बट आई विल टेल द आंसर टू ठीक है टेंशन बिल्कुल मत लेने का मुझे लगा ऑक्सीटोसिन इसमें होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही मैंने अभी तक सकिंग के टाइम पे रिलीज होता है चलो कोई नहीं कल देखेंगे इसको टेंशन बिल्कुल मत लो ठीक है आपका ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके पास द फेस्टिवल ऑफ माराबर्ट्स एंड बैदग्यास सेलिब्रेटेड इन डैश डायरेक्टली कन्फ्रंट सोशल इविल्स ठीक है एंड क्रिटिसाइज देयर प्रेपरेटर्स थ्रो ए पसेशन विद एफलीज आप हिंदी में भी पढ़ लो माराबाद और बडग्या का त्यौहार डैश में मनाया जाता है जो सीधे तौर पर सामाजिक बुराइयों का सामना करता है और पुतलों के साथ एक जुलूस के माध्यम से उनके अपराधियों की आलोचना करता है ये मनाया जाता है जबलपुर पणजी नागपुर या फिर हैदराबाद में बताइए सबसे ज्यादा जा रहे हैं पंजी पे नहीं एस्ट्रोजन तो रिप्रोडक्शन से सीधा सीधा मेल खाता है प्रोजेस्ट्रोन आपका मेंस्ट्रुअल साइकल प्रेगनेंसी के दौरान लैटिन आपका लैक्टिक आपका मिल्क प्रोडक्शन में एक रह गया डियर तीसरा चौथा ऑप्शन उसका देख लेंगे सी मैम आप कह रहे हो नागपुर महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट जवाब है सी नंदा देवी चोटी इनमें से कहां पर स्थित है बहुत बार करा चुकी हूं नंदा देवी चोटी इनमें से कहां पर स्थित है और ये रहने वाला है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और मैं उम्मीद करती हूं आप सब इसका सही जवाब देंगे योगेश देखो मैं भी उम्मीद है तो इस सवाल की ऑक्सीटोसिन से ही लगा के बैठी थी क्या करूं ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन नहीं मिला <laughs> चलिए बताइए नागपुर में मनाया जाता है मैम बिल्कुल सही है आप कहोगे मैम ये है आपका उत्तराखंड में और ये हमारे भारत की हिमालय में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ठीक है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है हाइट एक बार चेक कर लेना 7811 मीटर की हाइट इसकी हो सकती है मैं कभी भी हाइट पे ज़्यादा रिलाई करती नहीं हूँ तो उत्तराखंड में है अब फटाफट से दो मिनट का टाइम है सबसे पहले तो ये बताओ कि अब तुम्हें पसीना आना बंद हो गया क्योंकि अब क्लास जो है आपकी एंड होने वाली है इसके बाद क्वेश्चंस नहीं आएंगे ठीक है तो जल्दी से बताओ सही और गलत आज क्या रहा है आपका आज कैसा रहा आपका जी शो ठीक है आज कैसा रहा आपका जीके शो पढ़ के बताओ हिंदी में नंदा देवी चोटी डैश में स्थित इस है इसको क्या बताए भाई हिंदी में चॉकलेट बिल्कुल करेक्ट जवाब है अच्छा मैम इसका आंसर नहीं पता इसका आंसर उत्तराखंड में है नंदा देवी तीसरी क्योंकि पहली है के ठीक है 8611 किलोमीटर के सॉरी uh, मीटर के साथ उसके बाद है कंचन जंगा जो कि सिक्किम में है और एक डांस फॉर्म भी थी कंचन जंगा पर्वत की पूजा के लिए आपका वो क्वेश्चन शायद इसमें एड नहीं हो पाया सिक्किम में एक डांस फॉर्म होता है जो कंचन जंगा पर्वत की पूजा के लिए वो करते हैं ठीक है बेसिकली पर्वत को पूजते हैं चलो बता दो अगर किसी को नाम पता हो तो मैम 44 में से 21 अब ये सही है या गलत है आई डोंट नो 30 सोलह तो देखो जिनका भी 50% परसेंट से कम स्कोर है क्योंकि 50 टू 60% परसेंट क्वेश्चन मैं आपको डेली कराती हूं जो आपसे पूछे गए हैं तो देखो आपको मेहनत करने की जरूरत है घबराने की तो बिल्कुल नहीं है जब तक मैं हूं तब तक घबराना तो बिल्कुल नहीं है ठीक है थैंक यू पुष्पेंद्र थैंक यू सो मच 21 राइट right है वेरी गुड ओके okay, रघुवीर आपकी बातें सराखों पर तो चलिए डियर अब हमें विदा दीजिए अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करिए क्योंकि इसने जैसे आपने किया है आज रायता फैलाया है आप अपनी तैयारी अच्छी रखो डियर मेहनत करो अगर किसी पोर्शन में वीक हो रहे हो मतलब एग्जाम तक कोई भी पोर्शन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ इसमें हम थोड़े से वीक है ये कमी रह गई बस कमी मत छोड़ना ओके okay? चलिए तो टेक केयर अपना ध्यान रखिए बस खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए किसी को भी आपकी वजह से कभी कोई गम ना हो कभी कोई दुख ना हो ऊपर वाले से बस यही दुआ करना चलिए टेक केयर अपना ध्यान रखिए बाय बाय एंड शब्बा खैर